नमस्कार तमाम भट्टू दर्पण न्यूज़ चैनल दर्शकों को। अगर आप भट्टू दर्पण न्यूज़ चैनल के समाचारों के साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें व शेयर करें। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 94-666-91-540। आज के मुख्य समाचार। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्था बालाजी पब्लिक स्कूल भट्टू मंडी के 10वीं कक्षा के परिणाम में विद्यार्थियों ने राज्य स्तर पर भी अपनी उपलब्धि दर्ज कराई है। हरियाणा बोर्ड के 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में बालाजी स्कूल के विद्यार्थियों का शानदार उपलब्धि रही, जिस पर विद्यालय में छात्रों को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई गई। स्कूल निदेशक नरेंद्र साई ने बताया कि विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा। कक्षा 10वीं में सर्वेश पुत्र रविंदर ने 98.8% अंकों के साथ जिला स्तर पर द्वितीय, राज्य स्तर पर पांचवा और विद्यालय स्तर पर प्रथम स्थान दर्ज किया है। वहीं 98.2% अंकों के साथ नीतिका पुत्री राजेश कुमार और स्वीना पुत्री भरत सिंह ने संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं 96.6% अंकों के साथ सुषमा पुत्री कृष्ण और रचना पुत्री सुभाष ने भी संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि विद्यालय के कुल 54 विद्यार्थियों में से 45 विद्यार्थियों ने बोर्ड मेरिट और 4 विद्यार्थियों ने जिला मेरिट प्राप्त की है। विद्यालय के इस शानदार परीक्षा परिणाम पर प्राचार्य श्रीमती संतोष शर्मा ने सभी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ बधाई दी। इस अवसर पर सचिव राजाराम जानी, निदेशक नरेंद्र साई, पुनीत शर्मा, राजेश कुमार, बजरंग तेजपाल, सुरेंद्र कुमार सहित अनेक अभिभावक मौजूद रहे। भट्टू कला की श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला में शनिवार को जिला रेड क्रॉस सोसाइटी व खुशी एक उम्मीद संस्था की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल अस्पताल की ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर शिवांगी के नेतृत्व में फतेहाबाद सिविल ब्लड बैंक की टीम ने शिविर में 62 यूनिट रक्त एकत्रित किया। रक्तदाताओं को संबोधित करते हुए जिला रेड क्रॉस सचिव सुरेंद्र शोरान ने कहा कि भट्टू क्षेत्र हमेशा ही रक्तदान में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है, लगातार रक्तदान कैंप का आयोजन करते रहे आए हैं, इसके लिए यहाँ के रक्तदाता बधाई के पात्र हैं। वहीं डॉक्टर शिवांगी ने कहा कि रक्तदान जैसे महायज्ञ में हर युवा को स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान कर अपनी आहुति डालनी चाहिए ताकि रक्त की कोई कमी न आए। खुशी एक उम्मीद संस्था के चेयरमैन गोपाल वंश ने कहा कि भट्टू कला में रक्त क्रांति के लिए प्रोफेसर दिनेश शर्मा की अहम भूमिका रही है, जिसके मार्गदर्शन में लगातार रक्त कैंप के आयोजन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रक्त की कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है, रक्तदाता द्वारा दिया गया रक्त ही पूर्ति के स्रोत है। इस दौरान रेड क्रॉस फार्मासिस्ट सुनील भाटिया ने भी सभी रक्तदाताओं को डोनर बैज लगाकर सम्मानित किया। इस दौरान कैंप रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। राजकीय महाविद्यालय भट्टू कला में शनिवार को इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक फतेहाबाद और महाविद्यालय की IQAC प्लेसमेंट सेल अर्थशास्त्र व वाणिज्य विभाग के तत्वाधान में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर सुभाष ने पोस्ट बैंक टीम के सदस्यों व शिक्षकों का हार्दिक स्वागत किया। इस दौरान फतेहाबाद पोस्ट पेमेंट बैंक के मैनेजर मनीष देसवाल, विकास प्रसाद व पोस्ट मास्टर दिवेश सिंह ने विद्यार्थियों को पोस्ट बैंक की महत्वपूर्ण सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज पोस्ट बैंक देश की सबसे बड़ी सरकारी संस्था में से एक है। अर्थशास्त्र के प्राध्यापक सीताराम ने विद्यार्थियों को जीवन में बैंकिंग सुविधा के लाभ के विषय में विस्तार से बताया। इस अवसर पर वाणिज्य विभाग की प्राध्यापिका ज्योति झाजड़ा, प्राध्यापक दिल सुखराम, अनिल कुमार, अनिल शेरावत, हरीश कुमार, कीर्ति, सतवीर, नीलेश व महाविद्यालय विद्या के छात्र उपस्थित रहे।